हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉलेज बुक। इस वीडियो में हम बात करेंगे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर एंट्रेंस टेस्ट फॉर प्री बीएड 2022। तो आपने पीटीईटी का एग्ज़ाम दिया है 4 ईयर बीएससी बीएड के लिए एंड 2 ईयर बीएड के लिए। तो बीएड के लिए आपने जो एग्ज़ाम दिया था और बीएससी बीएड या बीएड के लिए जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले गाइज, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पीटीईटी एग्ज़ाम, जो आपका पीटीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं पीटीईटी 2022 2 ईयर कोर्स बीएड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो था ग्रेजुएशन का, तो जो बीएड का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है। आप इसकी वेबसाइट पर जब विजिट करोगे तो एक साइड में होता है 2 ईयर बीएड का कोर्स और दूसरी तरफ होता है बीएससी बीएड या बीए बीएड 4 ईयर जो कोर्स होता है उस पर। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे बीएससी 2 ईयर बीएड वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो रिजल्ट पीटीईटी 2022। तो ये हम बीएड का रिजल्ट देख रहे हैं और बीएड के रिजल्ट का जो 2 ईयर है उनका रिजल्ट आया है। तो आपको देख सकते हो कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। अगर हमें चेक करना है तो हम क्लिक करेंगे रिजल्ट पीटीईटी 2022 पे। अभी साइट थोड़ा सा बिजी चल रही है तो हो सकता है अभी ओपन नहीं हो ये पेज, क्योंकि ये वाला पेज ओपन में होने में भी काफ़ी टाइम लगा है। तो अभी हम इस पर प्रेस करते हैं, देखते हैं जो पीटीईटी 2022 का जो रिजल्ट है वो ओपन हो रही है। गाइस साइट अभी थोड़ा बिजी चल रही है, तो किसी को रिजल्ट चेक करना है तो आप नाइट में या फिर इवनिंग में ज़्यादा बेटर रहेगा अपना रिजल्ट देखना। अभी आप देख सकते हो अभी बहुत ज़्यादा स्लो है साइट। तो नहीं, अभी साइट बिजी है। तो गैस जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर हमारे पास जो ये ऑप्शन है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने रोल नंबर और आपके डेट ऑफ बर्थ से ही देख सकते हो, और उसमें कैप्चा आएगा, उस कैप्चा को भरना पड़ेगा, वहाँ पर ना फिर प्रोसीड करके आप रिजल्ट देख सकते हो, या फिर आप रिजल्ट चेक कर सकते हो अपने नेम से, फादर नेम से और आपके मदर नेम से भी आप जो है डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। हम फिर से वापस एक बार ट्राई करके देखते हैं यहाँ क्लिक करने से अगर ओपन होता है, क्योंकि गाइस अभी साइट बिजी चल रही है, सभी बच्चे रिजल्ट चेक करने में बिजी होंगे तो इस वजह से साइट जो है बिजी है आपकी, नहीं हो रहा है अभी ये ओपन। कोई दिक्कत नहीं, चलो अभी हम बैक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो, आप देखो गाइज मैं यहाँ से बैक कर रही हूँ इसको। तो जैसे देखो, सबसे पहले आप जब साइट पर क्लिक करोगे यहाँ यूनिवर्सिटी की पीटीटी, तो इस टाइप से आपका मेन होम पेज ओपन होता है। और जब ये क्लिक हेयर फॉर बीएड 2 ईयर पर, तो यहाँ क्लिक करने पर जस्ट अभी जो पेज हम देख रहे थे वो ओपन हो जाएगा। अगर आपको अपना रिजल्ट चेक करना है बीए बीएड और बीएससी बीएड, तो आप इधर इस वाले कैप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें भी अभी थोड़ा टाइम लगेगा, स्लो है साइट, इस वजह से अभी ओपन नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने बता दिया है आपको कैसे अपना रिजल्ट चेक करना है, तो आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए गाइस, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।